हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, हम जो शादियों में जाते हैं और क्रंची क्रंची सा ये रेसिपी खाते हैं, बहुत ही ज़्यादा खस्ता और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मज़ा आता है खाने में सब्ज़ी या किसी भी रायते के साथ। तो आज मैं उस रेसिपी को बनाने वाली हूँ। यहाँ मैंने ले लिया है पालक। पालक को अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर लिया और पानी में ऐड कर दिया है, और जब तक पानी बॉयल हो और पालक का कलर चेंज हो तब तक हमें इसे पकाना है। ध्यान रखें, मीडियम हाई फ्लेम पर भी आप इसे पका सकते हो, बहुत ही 2 से 3 मिनट में ये अच्छे तरीके से बॉयल हो जाता है और ये पालक ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। देन हम इसे अच्छे तरीके से स्ट्रेन करके इसका एक पेस्ट बनाएंगे। तो ध्यान रखिए, स्ट्रेन कर ले, स्ट्रेन करने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड करें एंड देन इसका एकदम महीन सा पेस्ट बना कर रेडी कर ले। ये बहुत ही ज़्यादा इजी रेसिपी, आप एक बार बनाओगे ना तुमको बार बार बनाने का मन करेगा। देन पेस्ट बनाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो पेस्ट की कंसिस्टेंसी। ध्यान रखिए, आप ज़्यादा पानी ऐड मत करना क्योंकि हमें इसे आटे में मिलाना है। देन मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया है, इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटी चम्मच अजवाइन और मंगरेल। इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर देंगे। ध्यान रखिए, अजवाइन मंगरेल से ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, प्लीज़ आप उसको स्किप मत करना। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप कर सकते हो। देन इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच घी। घी से ना बहुत ही वो क्रंचीनेस आते हैं जो हम शादी ब्याह में जाते हैं ना खाते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है ये, बहुत ही अच्छा क्रंच ऐड कर देता है। तो हम लोग अच्छे तरीके से मिक्स करके मोहन को लगा लेंगे। तो यहाँ पर आप देखो मोहन लग गया, और इस तरीके से अगर टेक्स्चर बाइंड होने लगे तो समझ जाना कि आपका जो मिक्सचर है वो रेडी हो गया। देन हम पालक का जो पेस्ट बनाए थे उसे छन्नी के ऊपर रख के छान लेंगे। इससे क्या होगा ना, कोई भी जो भी लंबे लंबे पीस होंगे वो ऐड नहीं हो पाएंगे, वो स्ट्रेन होकर अलग हो जाएंगे। तो मैंने फर्स्ट में आपको बताया था कि आप ना पानी ज़्यादा ऐड मत करना, मैंने इसीलिए बताया था क्योंकि जितना हम लोग पेस्ट बनाएंगे ना उसी से नहीं ये आटा अच्छे तरीके से बाइंड हो जाएगा। तो मैंने पूरा पेस्ट ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके थोड़ी देर गूंथूंगी तो ये अच्छे तरीके से बाइंड होने लगेगा। ध्यान रखिए, अच्छे तरीके से आटे को नीड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस रेसिपी में। अगर आप अच्छे से नीट करते हो ना तो खिली खिली पूड़ियाँ बनके आपकी रेडी हो जाएंगी। तो 5 मिनट के बाद यहाँ पे फिर से मैं आटे को मसलूंगी। मसलने के बाद देखो ये, इससे मैं छोटा सा एक पेड़ा तोड़ूंगी और गोल गोल इस तरीके से रोल कर लूँगी। यहाँ मैंने अच्छे तरीके से रोल कर लिया है छोटे से पेड़े को, और इसे मैं सूखे आटे में इस तरीके से रोल कर दूंगी ताकि जब हम लोग इसे बेलन पर रोल करें ना तो ये चिपके ना। और अच्छे तरीके से गोल गोल पूड़ियाँ थिन साइज के, मीडियम थिन साइज के इसे मैं रोल करके रेडी कर लूँगी। मैं क्या करती हूँ ना, एक ही बार में सारी पूड़ियों को रोल कर लेती हूँ और एक ही बार फ्राई करती हूँ तो जल्दी से निकल जाते हैं। यहाँ पे मीडियम हॉट ऑयल में मैंने पूड़ी को ऐड किया और अच्छे तरीके से फ्राई करना है। तो ये आप देखो कितना ईजी वे में फूल जाएगा गुब्बारे की तरह और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। आप इसको पालक की सब्ज़ी या फिर पनीर की सब्ज़ी, मटर की सब्ज़ी, गोभी की सब्ज़ी, किसी भी सब्ज़ी के साथ इंजॉय कर सकते हो, इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। आप इसी आटा का यूज़ करके इसका पराठा बना सकते हो या फिर प्याज पराठा भी बना सकते हो, इसमें प्याज वगैरह ऐड करके बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना। लव यू, बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।